हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम नो मसीहा? एंड द ऑप्शंस आर अनुराधा पोडवाल, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, शाहरुख खान। एंड द राइट आंसर इज सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद, जिनका कि नाम लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को अपने खर्चे से अपने अपने घरों तक पहुंचाना, ये काम इन्होंने करके बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी और इसकी वजह से लोग इन्हें मसीहा तक कहने लगे थे। तो इनका एक क्लेरिफिकेशन, मतलब कि एक बुक आई हुई है जिसमें इन्होंने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस पुस्तक का नाम है आई एम नो मसीहा और इसके राइटर हैं सोनू सूद। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड द पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश कैंपेन? द ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश की शुरुआत की है और इसके तहत बच्चों के पोषण का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों के पोषित होने से ही परिवार पोषित होगा और परिवार के पोषित होने से प्रदेश सुपोषित होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? रिसेंटली द MPs ऑफ विच कंट्री हैव डिक्लेयर्ड द क्लाइमेट इमरजेंसी टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग? एंड द ऑप्शंस आर ब्रिटेन, आयरलैंड, मैक्सिको, जापान। एंड द राइट आंसर इज जापान। जी हाँ, जापान के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? रिसेंटली विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st नवंबर? एंड द ऑप्शंस आर वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड दूरदर्शन डे एंड ऑल ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड फिशरी डे एंड वर्ल्ड दूरदर्शन डे तीनों ही सेलिब्रेट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट कौन बना है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट बिकम द मोस्ट एम्प्लॉइंग इंस्टीट्यूट? एंड द ऑप्शंस आर IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। एंड द राइट आंसर इज IIT दिल्ली। जी हाँ, IIT दिल्ली सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ हनुमान जी विल बी एस्टैब्लिश्ड? एंड द ऑप्शंस आर कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटका में 215 मीटर हाइट हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटका में स्थापित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बैन ऑन अ सेल ऑफ पेट्रोल डीजल कार्स? एंड ऑप्शंस आर फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, ब्रिटेन। एंड राइट आंसर इज ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने COVID-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल की शुरुआत की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द हेलो इनिशिएटिव टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट COVID-19 वैक्सीन्स? एंड द ऑप्शंस आर WEF, WHO, UN, नीति आयोग। एंड द राइट आंसर इज UN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने COVID-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो नाम की पहल शुरू की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें संचालित की हैं? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बसेस?
एंड ऑप्शंस आर फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड स्कॉटलैंड, एंड द राइट आंसर इज स्कॉटलैंड। जी हाँ, स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें संचालित की हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम, एंड ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसके लिए राइट आंसर था अरेबियन सी। अरेबियन सी में मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, मिस्र और किस देश के बीच नील ईगल्स वन संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है? नील ईगल्स वन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इजिप्ट एंड विच कंट्री, एंड द ऑप्शंस आर रशिया, बेलारूस, साउथ अफ्रीका एंड सूडान। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।